अस्थल दाढ़ को निकलवाना लाजमी होता है। अगर आप उसको निकलवा देंगे तो उससे आपके बराबर वाले दांत भी ठीक रहेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। अस्थल दाढ़ निकलवा दिया तो खुदा ना खास्ता मुंह का कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो आप नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि अस्थल दाढ़ निकालने से मुंह पे कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप अस्थल दाढ़ निकलवा देते हैं तो इससे फ़ायदा यही है कि आपके बराबर वाला दांत भी सेफ रहेगा और वो जगह जहाँ पे अस्थल दाढ़ है वो भी जगह सेफ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हसनैन और आप देख रहे हैं mysehat.pk और आज हम बात करने वाले हैं अकल दाढ़ के हवाले से कि अकल दाढ़ कब निकलवानी चाहिए और अकल दाढ़ ना निकलवाने की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर अकल दाढ़ आप निकलवा लेते हैं तो आपको उसके साथ क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नाज़रीन देखें, बेसिकली अकल दाढ़ अल्लाह ताला ने इस तरह से दी है कि राइट और लेफ़्ट, ऊपर और नीचे। यानी कि अगर हम बात करें कि ऊपर की आर्च में, यानी ये ऊपर की आर्च जिसको हम मैक्सिलरी आर्च कहते हैं और लोअर जो नीचे का जबड़ा है उसको कहते हैं मैंडिबुलर आर्च। यानी अगर ऊपर की दाढ़ के हवाले से बात करें तो ऊपर हमारे पास राइट साइड पे एक अकल दाढ़ है और नीचे एक अकल दाढ़, और इसी तरह लेफ्ट साइड पर ऊपर भी एक अकल दाढ़ होती है और नीचे भी एक अकल दाढ़ होती है। यानी टोटल हमारे पास चार अकल दाढ़ें होती हैं। अमूमन अकल दाढ़ 18 साल की उम्र तक मतलब आना शुरू होती है और 21 साल की उम्र में इसकी जड़ें कम्प्लीट हो जाती हैं। लेकिन somehow कभी कभार इस तरह से होता है कि अकल दाढ़ मुंह के अंदर नहीं आ रही होती प्रॉपर, यानी कि वो अंदर जबड़े में ही फंस जाती है और ओरल कैविटी में वो नहीं आती। तो उस सूरत में अकल दाढ़ को निकलवाना लाजमी हो जाता है अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर दे। तो अकल दाढ़ अगर आप नहीं निकलवाते मिसाल के तौर पे तो उसकी वजह से नुकसान ये हो सकता है कि वहाँ पे सात वाले दांत में कीड़ा लग सकता है, सात वाले दांत में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसी दांत के नीचे यानी अकल दाढ़ के नीचे इन्फेक्शन हो जाएगा और इस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम वो दांत को नहीं निकलवाते हैं तो फिर उसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है कि खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन जो है वो नीचे यहाँ जबड़े से निकल के गले और सीने तक जा सकता है। तो ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा समझने की डेंजरस बात होती है, जबड़े तक जा सकता है। इसी तरीके से ऊपर वाले दांत को अगर हम अकल दाढ़ को नहीं निकलवाएंगे तो इन्फेक्शन जो पस है सारा वो निकल के ऊपर आँख की तरफ और यहाँ पे सारा इस तरफ सर की तरफ जा सकता है। इसीलिए अकल दाढ़ को निकलवाना लाजमी होता है। अगर आप उसको निकलवा देंगे तो उससे आपके बराबर वाले दांत भी ठीक रहेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। अच्छा नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि अकल दाढ़ किस तरह से निकाली जाती है। तो अकल दाढ़ निकालने के 2 से 3 मेथड हैं। सबसे पहले तो सिंपल तरीका यही है कि अगर ये दांत ओरल कैविटी में पूरा आया हुआ है यानी मुंह के अंदर पूरा है तो इसको हम सिंपल एक्सट्रैक्शन की तरह ही निकाल लेते हैं। अकल दाढ़ को निकालने से पहले हमें एक OPG एक्सरे करवाना पड़ता है, पूरे जबड़े का एक्सरे करवाना पड़ता है। वो एक्सरे इसलिए करवाना ज़रूरी है क्योंकि जो अकल दाढ़ है इसके नीचे, अगर नीचे के दांत के हवाले से बात करें तो इसके नीचे एक नर्व आ रही होती है जिसको इन्फीरियर एल्वुलर नर्व कहते हैं। ये नर्व का डिस्टेंस दांत के साथ कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो नर्व का डिस्टेंस दांत से दूर है तो हम इसको कोशिश करते हैं, और दांत ओरल कैविटी में पूरा आया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि दांत को हम सिंपल तरीके से निकाल दें। इसी तरीके से अगर दांत टेढ़ा है, लेटा हुआ है अंदर और हड्डी के अंदर है और नज़र नहीं आ रहा मुँह के अंदर और एक्सरे में हमें पता लग रहा है कि ये हड्डी के अंदर है, तो फिर हम मसूड़े को काट के हड्डी को काट के दांत को बाहर निकालते हैं और फिर वहाँ पे हम टांके भी लगा देते हैं। ये अकल दाढ़ की छोटी सी सर्जरी होती है और ये 40 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। अक्सर पेशेंट इस हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे पास सवाल आते हैं कि अगर हमने अकल दाढ़ निकलवा दिया तो खुदा ना खास्ता मुंह का कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो आप नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि अकल दाढ़ निकालने से मुँह के कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप अकल दाढ़ निकलवा देते हैं तो इससे फ़ायदा यही है कि आपके बराबर वाला दांत भी सेफ रहेगा और वो जगह जहाँ पर अकल दाढ़ है वो भी जगह सेफ हो जाएगी। कभी कभार अकल दाढ़ ना निकलवाने की वजह से मुंह में ट्यूमर और रसौली जैसे नुकसानात हो जाते हैं। कभी कभार अकल दाढ़ ना निकलवाने की वजह से बिनाइन ट्यूमर टाइप जैसे कि डेंटिजीरस सिस्ट, जो सिस्टिक टाइप लीजन्स बन जाते हैं, वो डिवेलप होने का खतरा होता है अगर हम अकल दाढ़ को ना निकलवाएं। तो इसीलिए अकल दाढ़ को निकलवाना ज़रूरी है उस सूरत में कि अगर वो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है और बराबर वाले दांत में इन्फेक्शन कर रही है, तो बेहतर है कि अकल दाढ़ निकलवा दीजिए।